उससे पहले लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, पत्रकारों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षित नहीं है पत्रकार। बता दें कि कवरेज करने गए पत्रकार के साथ अभद्रता हुई। हिम सिटी हॉस्पिटल कवरेज के दौरान ये अभद्रता पत्रकार के साथ की गई। हॉस्पिटल में खून चढ़ाते समय हुई थी बुजुर्ग की मौत और मौत के बाद परिजनों ने लगाया था आरोप। हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। मड़ियाव थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर कवरेज करने गए पत्रकार के साथ अभद्रता हुई। पत्रकार राजधानी में भी अब सुरक्षित नहीं है। मड़ियाव थाना क्षेत्र का ये मामला है। बता दें कि बुजुर्ग को खून चढ़ाते वक्त बुजुर्ग की मौत हो गई थी और परिवार वालों ने हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए थे और कवरेज करने गए पत्रकार से अभद्रता की। हिम सिटी हॉस्पिटल में कवरेज के दौरान ये अभद्रता की गई पत्रकार के साथ। हॉस्पिटल में खून चढ़ाते समय बुजुर्ग की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया था हॉस्पिटल पर, लापरवाही का आरोप लगा था, जिसके बाद पत्रकार के साथ अभद्रता की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी हमसे जुड़ चुके हैं। सफी साहब, आपसे पूरा मामला सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। ये मड़ियाव थाना क्षेत्र का मामला है जो कि कल पत्रकार कवरेज करने गया था, वहां पर उसे जानकारी मिली कि मौत के बाद जो परिजन है वो हॉस्पिटल पर आरोप लगा रहे थे कि वहां पर उनको खून देने गए थे और उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। और जब पत्रकार वहां पर जाता है कवरेज के लिए, जैसे ही कवरेज करने पहुंचता है वहां पर जो हॉस्पिटल के लोग हैं लगभग 15 से 20 लोग उसको घेर लेते हैं मारने के लिए, गाली गलौज करते हैं उसके साथ और धमकी देते हैं कि अगर यहां का वीडियो बनाया, यहां कोई भी अगर यहां पर किसी तरह की वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की या खबर बनाई तो हम उन लोगों को यहाँ से जो भी उल्टी सीधी गालियां दी उन लोगों को गालियां देकर वहां से भगाया गया। और उसकी तहरीर पत्रकार जब देने जाता है अभी तक कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। और ऐसे ही मामला कल एक आशान्या थाना स्थित हुआ है कि लगातार पत्रकारों के साथ जिस तरीके की अभद्रता हो रही है। हम कल रात की बात करें ड्रामा सेंटर की, ड्रामा सेंटर में पत्रकार अगर जाता है वहां पर कवरेज करने के लिए ड्रामा सेंटर के जो गार्ड है वो भी लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। ये जो बदतमीजी लगातार पत्रकारों के साथ हो रही है कहीं ना कहीं इसको प्रशासन को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। मोहम्मद सफी, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई क्या और पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? जब कल जिसके जब अभद्रता जिसके साथ की गई है उसमें कल पुलिस को जाकर तहरीर दी है लेकिन अभी तक कोई भी उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है और पत्रकारों की जो सुरक्षा है उसके बड़े बड़े दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर आप